जैसे ही हम प्रेस करेंगे डोर खुल जाएगा। मसाला चाय यहाँ पे गरम हॉट वाटर देंगे और चाय पी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपनी प्रियंका, ट्रेवल विद एक्सवाईजेड चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अहमदाबाद से द्वारकादेश की ओर और हमने ट्रेन बुक करी है वंदे भारत, जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाती है। और वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे अहमदाबाद से डेली जाती है और आज जहाँ हम जा रहे हैं उसकी टाइमिंग है 6:30 बजे। तो 6:30 PM पर हमारी ट्रेन आने वाली है और हमने जो बुक करी है टिकट वो है एग्जीक्यूटिव चेयर। तो बहुत ही स्पेशल चेयर है और बहुत अच्छी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम आपको वंदे भारत ट्रेन। तो ये है अहमदाबाद का रेलवे स्टेशन। तो जस्ट आई एम वेटिंग फॉर माई ट्रेन। तो इसके अंदर वही हम जाने वाले हैं। लेट्स मूव। तो वंदे भारत ट्रेन में मैंने पहले भी सफर किया था लेकिन आज एग्जीक्यूटिव चेयर में सफर करेंगे। तो आई एम एक्साइटेड और आपको रिव्यू देते हैं कि कैसा है करके। प्यारा सा व्यू है रेलवे स्टेशन का, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का। तो अभी हम वंदे भारत ट्रेन के अंदर आ गए हैं और अभी हम अंदर जाने वाले हैं एग्जीक्यूटिव चेयर जहाँ पे लगी हुई है। अब चलते हैं। जैसे इस तरह से दरवाजा लगा होता है सीसीटीवी कैमरा पे, यहाँ पे लिखा होता है प्रेस बटन टू ओपन द डोर। तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे डोर खुल जाएगा। दिस इज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयर ऑफ वंदे भारत। उसे बहुत ही अच्छा है वाइब्स थे, एकदम ठंडा कूल कूल एसी और चेयर्स थी एकदम मस्त सुपर स्पेशल चेयर। चलिए अंदर देखते हैं, ऊपर रखते हैं सामान वगैरह, ऊपर रख सकते हैं सारा। ब्यूटीफुल। घूम रहे हैं वंदे भारत के एग्जीक्यूटिव चेयर में, ये है मजा यहाँ का। तो झूल सकते हैं यहाँ पे। बहुत फास्ट हो गया ना। पहली बार नहीं है, दूसरी बार तीसरी बार हूँ, लेकिन ये रिवॉल्विंग का वाला कांसेप्ट नहीं, उसमें भी आया हूँ मैं, पर रिवॉल्विंग कांसेप्ट मुझे ध्यान में नहीं था। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं वंदे भारत ट्रेन की, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है, बढ़िया ट्रेन है। और मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हो? मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। कुछ नहीं, गुड लीडर। ठीक है, वी आर विजनरी एंड गुड लीडर। या या, समथिंग वेरी गुड। ओके, थैंक यू। तो फाइनली हमारी वंदे भारत ट्रेन डिपार्ट हो गई है और सबसे पहला जो स्टेशन आएगा वो है साबरमती। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ दिस ट्रेन। तो सारे लोग बहुत ही मज़े कर रहे हैं। चेयर के पीछे में आप पांव रखने के लिए यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, बहुत ही अच्छा। पॉइंट है तो आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो, तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पे दी गई है। तो वंदे भारत ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है बहुत तेजी से और अहमदाबाद से हम द्वारकादेश सिर्फ 5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अगर आप लोकल दूसरी ट्रेन में आप जाओगे तो वहाँ उस ट्रेन में लगता है टोटल 8 घंटे। हम 5 घंटे के अंदर अंदर पहुँचने वाले हैं द्वारकादेश की ओर। ये लगाया हुआ है, अगर आपको सूर्य की किरणें से प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरह से कवर कर सकते हो, ये आपने आपकी आईज और हेड में दर्द नहीं होगा। तो बहुत ही ऐसा सिस्टम इन्होंने बना रखा है, ये पर्दा जैसा।
साबरमती और यहाँ पे काफी लोग चढ़ते हैं, तो बहुत सारे लोग आ गए हैं अभी। वंदे भारत एग्जीक्यूटिव चेयर में यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी दिए जाते हैं फ्री में, तो हमें भी एक न्यूज़पेपर मिला है द टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू सर। तो इस तरह से देखो यहाँ बैठते यहाँ पे सेवा स्टार्ट हो जाती है, कभी पानी, कभी न्यूज़पेपर, कभी कुछ। लास्ट में हमें मिला है ये क्लीनिंग एंड रिफ्रेशिंग वाइप्स। वाओ, तो मतलब जिंदगी के तो मज़ा है यहीं पे, इस ट्रेन में बैठने का मज़ा अलग ही है। पास में ही देखो ये प्यारा सा व्यू, और यहीं मेरे लगा हुआ है चार्जिंग में फ़ोन। मतलब पूछो मत, मुझे आज तक इतना मज़ा नहीं आया, बेशक मैं वंदे भारत में पहले भी बैठी थी, इतना मज़ा नहीं आया जो मज़ा एग्जीक्यूटिव चेयर में आया। और सिर्फ मात्र 1700 रुपये में सब कुछ फ्री, खाने फ्री, न्यूज़पेपर फ्री, इतना खाना फ्री, अभी और भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो लीजिए भाई ज़िंदगी का मज़ा, आप भी आइए वंदे भारत, या घर पे ही बैठे रहेंगे। तो ये आ गया नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, देखते हैं कौन सा रेलवे स्टेशन है। देख रहे हो ये सारी चीजें खाई, अब पियेंगे गर्मा गर्म चाय। हम एग्जीक्यूटिव कोच को छोड़ के दूसरे कोच में आ गए, तो इसमें इस तरह की सीट्स होती है। क्या चीज पुलिस बुला लिया? नहीं, सारे यूट्यूबर्स बनाते हैं। हाँ जी बोलिए सर जी। तो देखते हैं टिटी जी क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये वाली चेयर्स भी 360 में रोटेट होता है ना? वीडियो उतारने में पुलिस बुला लिया। अच्छा जी। तो सर ये चेयर्स भी 360 में रोटेट होती है ना? रोटेट नहीं होती है, खाली ये दो वाली, वो फर्स्ट एसी में होती है। फर्स्ट एसी में होती है? नहीं, वो सारी सारी चेयर होती है, और इसमें एक एक ही होता है। अच्छा, तो इस वाले कोच को क्या कहते हैं? जैसे उसको एग्जीक्यूटिव कोच कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्मल कोच, एसी चेयर। अच्छा, तो जिस कोच से अभी हम आए थे वो एग्जीक्यूटिव था, ये एसी कोच है। तो इसमें सारी सीट्स एक ही साइड से है, लेकिन बस ये एक मिडिल में ऐसा सीट है, अगर कोई फैमिली है तो इधर बैठ के आराम से चिल अप कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंस बिटवीन चेयर, एसी चेयर्स में और एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में होता है कि सारी चेयर्स घूम जाती है, और इसमें सारी नहीं घूमती, सिर्फ एक ही घूमती है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कंफर्टेबल है और सेफ्टी है, सेफ्टी है। वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? बहुत अच्छी, सेफ्टी है। अच्छा, यहाँ पे मिला कुछ ब्रेकफास्ट वो स्नैक्स वगैरह फ्री में? सर आप बताइए वंदे भारत ट्रेन के बारे में, फ्लाइट ज्यादा सुविधा, मतलब कौन सी ज्यादा सुविधा लगती है, फ्लाइट सच्चे सच्चे दिल से बताना, या वंदे भारत ट्रेन में आपको कंफर्ट फील हो रहा है? देखिए, अब आपने हमसे प्रश्न किया है कि वंदे भारत के बारे में हम कुछ विश्लेषण करें। हाँ करिए। तो पहली बात तो ये है कि ये सबसे बड़ी जो देन मोदी जी की, हाँ ठीक है,
तो आपने आपने जो वंदे भारत के बारे में पूछा, हाँ जी, तो सबसे पहला बात ये आती है कि वंदे भारत के प्रणेता कौन, उसका उसकी शुरुआत किसने की। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम धन्यवाद देते हैं मोदी जी को। धन्यवाद हम सब और हमारी तरफ से हम सब की तरफ से मोदी जी को। तो हम ये चाहते हैं कि 2024 में मोदी जी आए और मोदी जी ऐसे वंदे भारत ट्रेन जो है देश में 80 चालू करेंगे, 80। वेरी गुड, सारी ट्रेन वंदे भारत। हाँ हाँ, तो पूरे हरेक स्टेट को वंदे भारत मिलने वाली है। और मोदी जी ने अश्विनी कुमार को जो हमारे रेलवे मिनिस्टर है उनको ये ऑर्डर दे रखा है कि ऐसी 80 वंदे भारत ट्रेन भारत में चालू हो। अच्छा, हरेक स्टेट को मिले। हाँ, अब बात आती है कि वंदे भारत की सुविधा क्या क्या और प्लेन से इसका कंपेरिजन। ठीक है, मैं आपके प्रश्न पे ही आ रहा हूँ। हाँ जी, आपके प्रश्न को भूला नहीं। तो इसमें ये फर्क है कि वंदे भारत में अभी हम जब बैठे हैं तो ड्रेस वाले हमारे सब जो सेवक हैं, हाँ जी, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में हैं। जैसे जैसे प्लेन में सुविधा होती है ऐसे अच्छा भोजन मिलता है, ऐसे पानी मिलता है। तो मतलब प्लेन में जाने के लिए हमको 2 घंटा 2.5 घंटा और 3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, और यहाँ पर आप आए और बैठे और आपकी सवारी चालू। वेरी गुड, ठीक है, आई एग्री। तो इसमें कोई भी हमारे को वेटिंग पीरियड नहीं लगता है और सुविधाएं बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कोई भी उम्र का आदमी हो चाहे बुजुर्ग हो, किसी को प्लेन में चढ़ने में असुविधा होती है, उसमें कभी किसी को घबराहट होती है, पर ट्रेन में बैठने में किसी को कोई असुविधा नहीं है। ये बात तो है सर, ठीक है ना। तो ये जो वंदे भारत है कई समस्याओं का निराकरण है। हम विदेश में जाकर ऐसी ट्रेनों में पहले सफर किया हुआ है। हाँ जी, हमने आज तक हिंदुस्तान में भारत में ऐसी ट्रेन में कभी सफर नहीं किया था। नहीं किया था। तो अब हमको विदेश का अनुभव अब हिंदुस्तान में मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। सही बात कह रहे हैं, है ना। हाँ जी, तो हम सुनते थे। अब ये देखिए, अब जिस ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं ये 5 डब्बों की ट्रेन है। हाँ। कितनी क्यूट है, बहुत। अब हमने पहले भारत में लाल पीली नीली गाड़ियां देखी थी, अब हम ब्यूटीफुल व्हाइट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। नजारा देखने लायक है, एकदम ऐसे लगता है बस फॉरेन में ही घूम रहे हैं। ठीक है ना। अब ये देखिए कितनी अच्छी सीटें हैं, कितनी अच्छी ट्रेन का कलर देखो, व्हाइट। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान में व्हाइट कलर की ट्रेन चलेगी। तो आज हम बिल्कुल हिंदुस्तान का जो नाम है वो विदेश में करने जा रहे हैं। अब विदेश वाला ये हिंदुस्तान को अब सांप और सपेरे की दृष्टि से नहीं देखता है कि ये देश सांप और सपेरे का नहीं है, ये आईटी का है, ये टेक्नोलॉजी का है, ये एआई का है। अब मोदी जी ट्रेन नहीं, अब तो एआई पे बहुत बड़ा सफर करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये अगर हम इसका प्लेन से और ट्रेन से अगर कंपेरिजन करें तो अब भविष्य में जाकर वंदे भारत ट्रेन प्लेन को भी पीछे छोड़ चुकी है और छोड़ देगी। सही बात है, मैं भी जैसे फ्लाइट में सफर किया है, काफी डिले हो जाती है, फ्लाइट्स बहुत प्रॉब्लम देती है आजकल। और आज मैं भी मतलब वंदे भारत मैंने ट्रेवल करा, मैं भी यही चाहती हूँ, मतलब ये सबसे बेस्ट है, फ्लाइट से ज्यादा बेस्ट मुझे तो अभी लगने लगा है। और दूसरी बात, जैसे फ्लाइट में तो आपको डिले होता है जैसे आपने वर्णन किया, अब मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ कि जैसे जापान है, जो जापान कंट्री है ना, तो अभी अभी हमारे एक रिश्तेदार अभी जापान जाके आए, उधर ट्रेन 5 सेकंड लेट हुई। कितना? 5 सेकंड। 5 सेकंड लेट हुई तो होहा मच गया। 5 सेकंड केवल ट्रेन लेट हुई तो होहा मच गया। लोगों को अपनी ये हुआ कि मेरी घड़ी में प्रॉब्लम है या इस ट्रेन में प्रॉब्लम है। और कुल मिलाकर वहाँ पर एक ट्रेन पूरे साल में 19 सेकंड आगे पीछे होती है। कितना? 19 सेकंड। तो अब हम मोदी जी हमको ये वंदे भारत के माध्यम से समय की सूचकता, सुविधा और आने वाले भविष्य का क्या निर्माण होने वाला है उसका हमारे को ये संदेश है। और हम वंदे भारत ट्रेन में, मेरा एक मैसेज है, मैंने अहमदाबाद से बम्बई ट्रेन में जाना बंद कर दिया है। सही बात है, क्योंकि मैं बम्बे में एयरपोर्ट पर जाऊँ, वहाँ से एयरपोर्ट जाऊँ, अहमदाबाद से एयरपोर्ट और लंबा जब जाऊँ, इतना सब प्रॉब्लम, मेरा तो यार आपकी प्रॉब्लम भी नहीं है, नहीं है। हाँ। अरे वो उससे तो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ। अहमदाबाद से बॉम्बे जाना ट्रेन से, बॉम्बे से वंदे भारत से जाना, आज उनका फर्क है। धन्यवाद, वेरी इजी, वेरी इजी, आई एग्री। और अगर हम वंदे भारत ट्रेवल करेंगे तो इसमें हमारी इंडिया ही डेवलप होगी, क्योंकि फ्लाइट्स के तो जो भी कंपनीज है वो सारे बाहर की होगी, स्पाइस जेट और सब बाहर की है। तो वंदे भारत जो है हमारा, इसमें हम सफर करेंगे तो हमारा इंडिया ही डेवलप होगा आगे। बिल्कुल,
तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये इकोनॉमी के लिए। और जहाँ जहाँ से वंदे भारत जाएगी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होगा, आज वंदे भारत जहाँ रुक गई समझ लो उसका कल्याण हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, क्योंकि वो सिटी का डेवलपमेंट, उस एरिया का डेवलपमेंट, ये जिस जिस रोड से जाएगी उसका कल्याण है, कल्याण है। अब आप ये बताओ इसका उपयोग कहाँ करने वाले हो? YouTube पे फटाफट भेजना, किस नाम से देखें ये भी बताना। ट्रैवल विद एक्स वाई जेड, ट्रैवल विद एक्स वाई जेड, ट्रैवल विद एक्स वाई जेड। अरे ओके, थैंक यू। ये कब डालो? अभी घर जाके डाल दो। धन्यवाद सर। तो इस तरह से सारे यात्री बहुत ही खुश है यहाँ पे आके वंदे भारत ट्रेन में बैठ के। सब यही बोलते हैं फ्लाइट से ज्यादा बेस्ट वंदे भारत ट्रेन है हमारी भारत की। तो आइए हम सब मिलके इसी ट्रेन में सफर करेंगे, आगे से फ्लाइट जाना छोड़ देंगे। आई लव इट। और कुछ बोलना चाहते हैं आप सब मोदी जी के बारे में? बोल सकते हो कुछ भी बोलो। आई लव मोदी जी। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मोदी, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी से बहुत प्यार करते हैं। वोट कौन है आप? लव यू। भारत ट्रेन में किस तरह से यहाँ पे खाना गरम वगैरह होता है, ओवन वगैरह सारा लगा हुआ है ट्रेन के अंदर ही, आप देख सकते हो। तो दिखा सकते हो भैया आप किस तरह से है? अरे वाह क्या बात है, गर्मा गर्म खाना हम यहाँ से निकाल के खा सकते हैं, वो भी फ्री में। देखिए किस तरह से मस्त ओवन लगे हुए हैं। वाओ। और वो जो अब ये फ्रूटी वगैरह आपने दिए थे ब्रेकफास्ट वगैरह, यहाँ पे पानी ठंडा कूल कूल एकदम चिल वाटर। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है इधर। तो इसमें कितने कोच है टोटल इस वंदे भारत ट्रेन में? कितने कोच? आठ है। सारा एसी होता है ना इसमें? और एग्जीक्यूटिव कोच कितना? एक वन, ओनली वन। और एक एग्जीक्यूटिव कोच में कितने सीट्स होते हैं टोटल? 52 सीट्स। और वो जो नॉर्मल है उसको क्या कहते हैं? वो सीधी बोलते हैं। अच्छा। एस्कॉर्टिंग स्टाफ आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। आप इनकी सहायता लेकर अपनी समस्याओं का निवारण जल्द से जल्द करवा सकते हैं। धन्यवाद। फिलहाल अभी 9 बज गई है और 12 बजे हम पहुंचेंगे द्वारका देश। तो उससे पहले हमें कम्प्लीमेंट्री मिला है डिनर, तो देखते आइए क्या क्या है खाने के अंदर और किस तरह से है उसका रिव्यू हम आपको देते हैं। खोल के देखते हैं क्या क्या है। खाना तो एकदम जबरदस्त है, साथ में दही चावल पनीर की सब्जी दाल ड्राई वेजिटेबल और रोटी है बिल्कुल एकदम परांठे जैसी, मस्त खाना है। देख के एकदम मुंह में आ गया एकदम लबालब पानी। तो आइए अब खाते हैं गर्मा गर्म खाना वंदे भारत ट्रेन का। तो दोस्तों अभी स्टेशन आया है राजकोट में, यहाँ पे भी सारे गुजराती भाई बहन है राजकोट में। राजकोट रेलवे स्टेशन सबसे प्यारा सा बाथरूम है, यहाँ पे आप हैंड वॉश भी कर सकते हो, बहुत नीट एंड क्लीन। और नीचे बैठने वाला भी है और प्लस वेस्टर्न वाला भी है। एग्जीक्यूटिव चेयर मतलब 360 डिग्री रोटेशन। तो जैसे ही मैं चेयर को अपना टर्न करती हूँ तो हम जैसे ट्रेन का जो ये मिरर है यहाँ पे हम बैठ के पूरी सीनरी देख सकते हैं बाहर की। प्लस यहाँ पे चेयर में साइड में ऐसे बॉक्स सा लगा हुआ है जिसको हम खोल के हम अपनी ये टेबल निकाल सकते हैं और यहाँ हम इसके ऊपर लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और प्यारा सा ट्रेन से बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एडवांस सिस्टम है ये हमारी इंडियन रेलवे का। और देखिए किस तरह से मैं घूम के वापस पीछे की ओर भी मुड़ गई। तो एकदम सही टाइम पे हम पहुंच गए हैं द्वारका देश में। अभी 12 बजी है और बहुत अच्छा लगा, सफ़र बहुत सही रहा, कम्फर्ट रहा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब करें। मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग।
और द्वारका देश के बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन की सही में, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।